"قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا". الحمد لله رب <سؤال> العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون जरत ग्रामी जादू जिन्नात की हकीकत और इलाज के ताल्लुक से बात चल रही है आज हम लोग मालूम करेंगे कि जादू मोजेज़ा और करामात में क्या फर्क है और करामात में करामत अलिया और रहमान भी है करामत अलिया शैतान भी है अलिया और के करामत क्या हैं अलिया शैतान के करामत क्या है दोनों में फ़र्क क्या है कैसे फ़र्क करेंगे और अलिया अल्लाह के भी होते हैं अलिया शैतान के भी होते हैं और ये शैतानी अलिया भी आपस में एक दूसरे को कैसे मदद करते हैं कैसे एक दूसरे को बात पहुंचाते हैं वो मैं आज आपके सामने अर्ज करूंगा अभी मैंने आपके सामने शराब बकरा की मशहूर मारूफ आयत पढ़ी है अल्लाह ताला ने फरमाया अलगुल्लिन आमनो अल्लाह के वली हैं जो ईमान वाले हैं ईमान वाले ये अल्लाह ताला के वली हैं और ईमान वाले अल्लाह के वली हैं अल्लाह के अलिया यानी अला इन्ना अलियानून अल्लाह ने सरास में फरमाया अल्लाह के अलिया वो हैं जो ना खौफ खौफजदा होते ना गम गमजदा होते हैं उनके उसाफ क्या है कौन अल्लाह के वली हैं यहां पर भी फरमाया दीना आमन वो लोग जो ईमान लेकर आए वहां पर भी सरायस में फरमाया

अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्ला कहता है हदीस खुदसी है मना आदली फ़कत आदम तोहबिलहरब जो मेरे वलियों से दुश्मनी करता है मैं उनसे जंग का ऐलान करता हूँ अल्लाह के अलिया कौन है कहा कि वो लोग जो ईमान के पक्के हैं मुतकी और परहेजगार हैं और फराइज का एहतमाम करते हैं फराज़ की पाबंदी करते हैं नवाफिल का अहतमाम भी करते हैं वो लोग अल्लाह के अलिया हैं अल्लाह के इन अवलिया से कुछ अनहोनी चीजें जो शादिर होती हैं उनको कहा जाता है करामात करामात और अंबिया से जो अनहोनी चीजें सादिर होती हैं उनको कहा जाता है मोजेजात। मोजेजात। आम तरीके से जो नहीं कर सकते हैं वो करके दिखाएं वो करके दिखाएं अगर अलिया उल्लाह से हो तो ये करामात हैं और अगर अंबिया से हो तो ये मोजेज़ा है तो करामात अलिया और करामत और मोजात अम्बिया ये बुनियादी फर्क बुनियादी तौर पर आपको याद रखना चाहिए अंबिया जैसे दिखाए हैं प्यारे नबी अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मोजात हैं मोजा के असल माने हैं जो दूसरों को आजिज कर दे उस तरह की चीज लाने से मायू अजिजुल गैर अनिल इतियानी मिसला इस जैसा लाने से दूसरों को आजिज कर दें उसको कहा जाता है मोजैसा कोई दूसरा इसे नहीं ला सकता है जैसे चांद को इशारे से दो टुकड़े करना मिराज के सफर में स्पेस से आगे जाना बगैर किसी सहारे के कोई कर सकता है नहीं यह मोजेज़ा है सलाम की लाठी सांप बन के सबको निकल जाना हाथ निकालो बगल से तो चमकदार हो ईसा बीमार के हाथ जिसम पे हाथ फेरे तो सही हो जाए मुर्दों को जिंदा करके दिखाए कोई कर सकता है नहीं या नहोनी बातें अंबिया से सादिर हो तो ये मोजा और मोजा आजकल जदीद साइंस में कुछ लोग क्या करते हैं मेराज में कैसे चले गए भाई स्पेस में जाने के बाद एक ऐसी खला है ऐसी स्पेस है ऐसी जगह है जहां पर कोई चीज छोड़ दो पत्थर भी रख दो ना ऊपर जाएगा नीचे आएगा यानी जमीन और दूसरी चीजों के आसमास सबके ग्रेविटेशन वहां पर एक हो जाए वहां पर आप पत्थर को भी छोड़ दो तो वो तैरता हुआ नजर आए आप लोग तो जानते हैं कैसे अल्लाह के रसुल से आगे चले गए इसी को तो मुझे कहा जा जाता कि कैसे तुम्हारे दिमाग में ना आए जो तुम्हें आजिश कर दें तुम्हें समझ में ना आए यही मोजेजा है सब समझने लग जाए तो मोजेजा कैसे हुआ मोजेजा यह है जो दूसरों को आजिज कर दे करामात जैसे सलाम के यहां पर बेमौसम के फल मिलते थे ये मोजेज़ा है गैर अंबिया से हो तो ये करामात है और अंबिया से हो तो यह मोजेजा है यह बात समझ में आ गई अब आइए जादू क्या है मैंने अब तक बताया कि जादू किसको कहा जाता है जादू या हाथ की सफाई नज़रबंदी या बंदिश या जन्नात को मुसलत करके कुछ अनहोनी बातों को किया जाता है और कैसे करते हैं इंशाल्लाह मैं अभी अर्ज कर रहा हूँ अब उन्हीं में से चूंकि नजोमियत कहानत, ये भी गायब की बातें कुछ बताते हैं इनको भी जादू कहा गया जादू कहा गया ये लोग कैसे करते हैं अलिया और रहमान के करामात और अलिया उशैतान के कराम में फ़र्क देखो अंबिया और अलिया जब मोजेजा दिखाते हैं करामत दिखाते हैं तो कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं जब चाहे जैसे चाहे दिखा सकता हूं अच्छी तरह से फर्क याद रखिए बहुत पति की बात आपको बता रहा हूं मैं अंबिया और अवलिया और रहमान कभी नहीं बताते हैं कि मैं जब चाहे जैसे चाहे मोजेजा या करामत दिखा सकता हूं और जो उलिया और शैतान हैं। वो कहते हैं जब चाहे जैसे चाहे मैं बोल सकता हूं दिखा सकता हूं कर सकता हूं दोनों तो में फर्क याद रखिए। नबी ने चांद को कितने बार दो टुकड़े किया एक ही बार फिर नबी ने कहा मैं जब जब चाहूं चाँद को दो टुकड़े कर सकता हूं नहीं माकान अली नबी गिना भी आया अल्लाह ने कुरान में फरमाया किसी नबी के लिए उसके अख्तियार में है ही नहीं नबी के इख्तियार में है ही नहीं कि जब चाहे जैसे चाहे वो मोजा ला के दिखाएं इल्ला भी इल्ला, मगर अल्लाह की मर्जी से ई सलाम भी शिफा देते मुर्दों को जिंदा करते मादाजार मादरजाद अंधों को उनकी बिनाई लौट आती क्या कहते भी इदन ला भी लाला अल्लाह की मर्जी से अल्लाह की मर्जी से इसमें मेरा कमाल कोई नहीं गए तो जो सही लोग होते हो क्या करते हैं अल्लाह ताला जब उनसे करवाता तब पता चलता उनको और मोजेज़ा और करामत सादिर होने से पहले उनको मालूम भी नहीं होता है सलाम को जब अल्लाह ताला ने वादी मुकद्दस में बुलाया बुलाने के बाद कहा कि मूसा लाठी फेंको लाठी फेंकते ही सांप बन गई सांप बनने के बाद सलाम क्या की भागे कि नहीं भागे भागे क्या मतलब है उनको पता नहीं था पहले से कि ये लाठी साफ बन जाएगी इसीलिए तो डर के मारे में भाग गए अल्लाह ने कहा मत डरो मैं उसको दोबारा लाठी की तरफ लौटा दूंगा याद रखो मत डरो इससे हाँ। मालूम होता अंबिया को अवलिया को पहले से पता नहीं रहता मरीम के यहां पर बेमौसम के फल जक्री सलाम उनके के पूछते थे कहां से बेटा ये तो, तो मालूम नहीं मुझे अन्ना की आद खास है मालूम नहीं अल्लाह ताला देता है अब इनको ऐसा नहीं कि मैं जब चाहे मैं बुलाऊं मैं दुआ करूं तो ता अल्लाह ताला दे देता नहीं तो दावे के साथ उसूक के साथ नहीं कहते हैं अल्लाह तला जब शादिर करवाता है तब होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए कितनी बार गए भाई एक ही बार गए बार बार होता है अब आइए दूसरी बात जो लोग अलिया उस शैतान हैं वो क्या करते हैं हर बार हर साल उर्स के मौके पर आपको ये करामत दिखाते हैं आग में कूद के दिखाते हैं है ना उसके बाद कहीं से शक्कर गिरती है कहीं से तेल निकलता है क्या क्या कोई पत्थर ऊपर चला जाता है कोई कब्र से हाथ आता है जब जब आप जाओ वो उसूक के साथ कहेगा कि मैं ये दिखा सकता हूं ये कर सकता हूं ये हो सकता वो होगा अगर पूरे उसूक को के साथ कह रहे हैं समझ लो ये अलिया और रहमान नहीं है अलिया उस शैतान है बस रही फर्क में समझा पा रहा हूं अभी कैसे होता है आइए कैसे होता है ये लोग मैंने दूसरी आयत आपके सामने सुरतल आयत नंबर एक सौ बारह इसको दिमाग में रखिए अल्लाह तला ने फरमाया वो कदाली का निकुल मैंने हर नबी के पीछे जिन्नात और इंसान के दुश्मन लगा दिए जिन्नात और इंसान में से हर नबी के पीछे ऐसे शयातीन नबी के पीछे लगा दिए वो नबी से दुश्मनी अदावत नफरत कीना कपट रखेंगे हम और आप अगर नबी के तरीका पर है तो याद रखिए अंबिया के साथ ये मामला हुआ है कि जिन्नात उनके दुश्मन रहे इंसान उनके दुश्मन रहे तो अंबिया के वारिसन उलामा के भी जिन्नात दुश्मन रहेंगे इंसान भी दुश्मन रहेंगे लेकिन आपको मैदान छोड़ के भागना नहीं है हाँ आपको काम करना है ये तो हर जमाने में हुआ रहेगा निशाद लेकिन अल्लाह तबरक हम नासिर व मददगार होगा अल्लाह तबरक देख लेगा कहा कि देखो हर वक्त ऐसे हुआ है कि हमने इंसान और जिन्नात के शयातीन इंसान और जिन्नात के शयातीन सारे इंसान नहीं सारे जिन्नात नहीं जो शयातीन हैं, उनको हमने नबियों के दुश्मन बना दिए नबियों के दुश्मन रहे हैं ये शयातीन क्या करते हैं यो ही इला बादिन जुखरफल कौली गुरोरा वो एक दूसरे को वही करते हैं कौन शयातीन जिन्नात एक दूसरे को वही करते हैं वही का मतलब खुफिया तौर तरीके से बात करना आहिस्ता से कान में बात करना दूर तक पैगाम पहुंचाना जैसे मोबाइल कैसे बात करते हैं मैं आपको बता देता हूं आइए शेख उमर सुलेमान अल अशकर जो शेख अलबानी रहम्ला के शागिर्द हैं उनकी किताब है जिनो शयातीन की दुनिया पढ़ने से ताल्लुक रखती किताब पढ़ी जिनोशयातीन की दुनिया उर्दू में है अरबी में लिखे उर्दू में इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हो चुकी है बहुत अच्छी किताब है पढ़ी उसमें उन्होंने एक वाकया जिक्र किया है हम और आप भी होता है अभी कुछ दिन पहले एक ने कहा कि मेरे ऑफिस में एक साहब आए आकर कहा कि आप आप परेशान हाल हैं तीन चीजें जाकर बाहर से लिख कर आओ मैं बता दूंगा तुमने क्या लिखा है हाँ वो बाहर गए छुप के कुछ लिखकर लाए पूरा एग्जैक्टली बता दिया परेशान हो गया आदमी अरे भाई क्या जानता है क्या है परेशान हो गए हैरान हो गए ऐसे ही होता है कभी कभार आप लोग क्या करते हैं अल्लाह महफूज रखे कोई बीमार हुआ फुला जगह पर एक पीर है वली है बुजुर्ग है चलो उनके पास जाएंगे वहां गए पहली बार गए जाते ही बेटा नाम ये है तुझे ये बीमारी है इतने दिनों से आना चाह रहा था नहीं आया ये है वो परेशान हो जाता रे हमारा नाम भी मालूम है बीमारी भी पता है ये तो पहुंचे हुए सरकार है, ये गायब जानता है मुश्रक हो गए गायब कौन जानता है अल्लाह अल्लाह के सिवा गैर अल्लाह में अगर आपने गायबानी समझ लिया मुशरिक हो गए और शैतान ही करवाता है शैतान के एजेंडा क्या जानते हैं इंसान को शिरक और कुफर और बिदात तो खुराफात में मुबतला करो और जहां पर शिरक बिदात तो खुराफात नहीं करवा सकते उनको आपस में लड़ाओ इख्तलाफा आपस में लड़ाओ जहां पर जहां पर शिरक बिदात तो खुराफा है वहां पर सब अच्छे जहां पर शिरक बिदात तो खुराफात नहीं है आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए अल्लाह सलामत रखे होता किसे देखिए कैसे पता चला इनको मैं आपको वाक्य के जिम्न में बताता हूं शेख उमर सलेम अश्कर ने वो किताब जिन्नो जिनोशिन की दुनिया उसमें एक वाकया जिक्र किया है बगदाद के बाजार में मार्केट में एक जादूगर जादू दिखा रहा था और सारे लोग उसको घेरे हुए थे बहुत बड़ा मजमा था उसने कहा कि बीच में उसने कहा मैं यहां बीच में ठहरा हूं आप लोग बहुत दूर हो तुम तो एक काम करो अपने अपने जेब से कॉइंस निकालो कॉइंस निकाल के गिनो गिनने के बाद मुट्ठी बंद कर लो मैं यहां से बता दूंगा तुम्हारी मुट्ठी में कितना पैसा है हा सब निकाल रहे थे गिन रहे थे मुट्ठी बंद कर लिए दूर खड़ा है वहां बता दे रहा था सबका एग्जैक्टली बता दिया सब लोग परेशान दंग हैरान हो ये तो गैब जानता है सब मुश्किल जितने लोगों ने ये तस्वर किया सब मुश्किल हो गए अब उसके बाद एक आलिम आए देखो फितने को सबसे पहले परखता कौन मालूम है हसन बसरी फरमाते हैं फितना जब आता सबसे पहले आलिम को पता चलता है इसीलिए किसी भी मामले में डिसीशन लेने से पहले उल्मा रब्बानी से मशवरा करो आपको हक बातिल समझ में नहीं आ रहा है उलामा से मशवरा करो कि क्या हक है क्या बातिल है उलामा से जुड़ो फितना हसन बसरी कहते हैं फितना जब आके लपेट में ले ले और पूरी तरह से मुब्तला हो जाए तब बाद में आवाम को पता हो भाई ये फितना था इसमें नहीं जाना चाहिए था उलामा को पहले पता चलता है अल्लाह ताला उनके पास जो तो इल्म दिया है उससे मालूम होता उलामा से जुड़े रहो अगर फितने से महफूज रहना चाहते हो एक आलिम आए अगर का अच्छा बेटा गायब दानी का दावा करते हो कैसे तुम्हारे पास गायब है दिखाता हूं उन्होंने कहा मैं दूर नहीं तेरी आंखों के सामने दस्ती बिछाता हूं आंखों के सामने रुमाल बिछाया कॉइन डाल दिया कॉइंस डाल दिया, दिया। आंखों के सामने मुट्ठी बंद करके उठाया बता मेरे मुट्ठी में कितने पैसे हैं हाँ, बता नहीं सका दूर छुप के निकाल के गिन रहे थे बता दिया आंखों के सामने से मुट्ठी भर के उठाया तो नहीं बता पाया क्यों जानते हैं ये जिन शैतान हमारे साथ है ना हर आदमी के साथ हम बोलते हैं यहां की जबान में हा हर आदमी के साथ एक जिन है नबी ने फरमाया हर एक के साथ है साहबा ने कहा आपके साथ कहा मेरे साथ भी है लेकिन वो मुसलमान हो गया मुझे बुराई का हुक्म नहीं दे सकता है वो हर एक के साथ है जब निकाल के जेब में से गिन रहे थे ये शैतान गिना गिनने के बाद यू ही बाह मिलाबाद इन जुखरुफल गुरो रहा वो जो जादूगर का जिन है उसको फोन कर दिया इसकी मुट्ठी में दस रुपया है उसके बाद वो जादूगर को बता दिया जादूगर बता रहा था अब जब इसने मुट्ठी भर उठाया इसने गिना नहीं गिना जब ये गिना नहीं 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 जब ये उसके जिन भी नहीं गिन सका उसको भी गायब नहीं है गिन नहीं सका अब ये जब इसके जिन को पता नहीं चला जादूगर के जिन को भी बता नहीं पाया जादूगर को भी मालूम नहीं हुआ अल्लाह देख रहे है? आप जब घर में डिस्कस कर रहे थे ना फुला बाबा के पास जाना है वहां जाना है तो आपका जिन पूरा करके वहां पर बता दिया आ रहा एक कस्टमर जो है बाटल में उसको उतार ले हां उसके बाद में मुबला करता है याद रखो मेरे भाइयों, इस तरीके से ये लोग करते हैं जिन्नात की मदद से हाँ एक साहब ने कहा कि दरगाह पे गए वहां पर बड़ी सी चटान रखी हुई है वे कहते हैं बाबा का नाम लेके उंगली रखो चट्टान उठ जाती है एक आलिम साहब गए कहा कि बाबा से बढ़ के तो अल्लाह है ना मैं बिस्मिल्लाह बोल के उठाता हूं बिस्मिल्लाह बोल के उठाए तो चटान नहीं उठी क्यों बिस्मिल्लाह बोला जाए तो शैतान भाग जाता है पहले बाबा का नाम गैरुल्ला का नाम शिरक हो रहा था ना तो शैतान उठाता है उनको पता नहीं चलता ऐसा लगता है भाई हाँ हाथ हाँ निकल के आ रहा ये हो रहा वो हो रहा आग में शैतान आग से बना है अब शैतान चाहेगा हाँ इसको शिर्क में मुब्तला करना है इतने सारे लोगों को चलो उसकी हिफाजत करो इसीलिए सलफ सालिहन कहते हैं अगर कोई आग में कूद के दिखाए पानी पे चल के दिखाएं, हवाओं में तैर के दिखाएं। अगर वो काम सहाबा ने नबियों ने नहीं किया याद रखो कि वो सही और हक नहीं हो सकता ये है मनहज सलफ आज मैं समझाने में शायद कामयाब रहा कि करामत अलिया क्या है उनकी हकीकत क्या है वो बार बार उसूक के साथ हर साल नहीं दिखाते हैं और जो अलिया उस शैतान है बार बार उसूक के साथ हर मरतबा दिखाते याद रखो ये गलत है और मोजेजा मैंने बता दिया जादू तो अलग ही है और इस तरह तरीके से जो गैब की बातें कुछ बताते हैं एक चीज ये भी है कि शैतान ऊपर जाता है ऊपर जाता है जाकर अल्लाह ताला जो फैसला किया है वो मलाय आला फरिश्ते डिस्कस करते आसमान पे ये छु, छुप कर जाके सुनने की कोशिश करते हैं इल्ला मन इलाम खतिफ अल खतफा शहाबाकिब तो शहाब साकिब से सितारों से मार भगाया जाता है ये शैतान को मार भगाने का जरिया है जल जल्द के राख हो जाते हैं लोगों ने क्या कहा हाथ सितारा टूट रहा है आंख बंद करके जो भी मांगोगे मुरादे पूरी होगी अरे वो शैतान को मार रहा है और तू शैतान से मुरादी मांग रहा है अल्लाह अकबर शैतान कैसे ट्विस्ट करता देखो हा? हाँ वहां जाके एक बात चुरा लिया आके जादूगरों को ऐसे नोजोमियों का एस्ट्रोलॉजर को बता देता है वो एक बात के साथ दस बात मिलाता है और एक दो से बातें सही हो जाती है गायब की बातें और कभी जल्ब के राख हो जाते हैं यह तरीक़ा है एक दूसरे की मदद करने के लिए इसीलिए के जरिए से कुरान के ठोस हो तो आप कभी गुमराह नहीं हो गए तबरकिन और आपको मनजलफालिन्न के मुताबिक और हदीस को समझने समझाने की तोफ़ी क़ा फरमाएल तनों शयाती के, के फितरों से महफूज रखे आमीन सबाला